हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन है टेन थीटा अपन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेकंड थीटा कोसेकंड थीटा। तो पहले लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड क्या है टेन थीटा। इसको क्या करना है, पहला स्टेप जब भी टेन कॉट सेकंड में हम क्या करते हैं इसको चेंज इन साइन एंड कॉस। तो टेन थीटा की जगह हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉट को फिर चेंज कर सकते हैं किसमें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नीचे 1 माइनस टेन को फिर चेंज कर देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे। ऊपर आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा पर माइनस कॉस थीटा प्लस सेम नीचे इधर करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे मिलेंगे तो कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, नाउ साइन थीटा फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे कॉस थीटा मल्टीप्लाई ये वाला ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सेम हेयर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा ऊपर और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे। अब इसमें क्या करते हैं हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में देखते हैं जो सेम चीज़ होती है उसको हम एक बार लेते हैं और जो डिफरेंट होते हैं उसको हम दोनों ले लेते हैं। ठीक है, कॉस थीटा है साइन थीटा दोनों को लेंगे। यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मतलब सेम है बस साइन का अंतर है। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ऐसे ही करेंगे हम ताकि सेम आ जाए। क्या हो जाएगा साइन दो बार है तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा कॉस कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा माइनस बाहर आ गया कॉमन। माइनस कॉमन का मतलब है कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम क्या लेंगे एलसीएम एक तो कॉस और साइन आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, दूसरा ये दोनों सेम है इनमें से एक ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस है यहाँ पे नीचे। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, तो क्या नहीं है साइन नहीं है तो साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो साइन स्क्वायर की जगह साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन क्यूब थीटा साइन माइनस का है माइनस का। ठीक है, दोबारा लिखता हूँ साइन क्यूब थीटा यहाँ पे कॉस स्क्वायर है नीचे साइन थीटा है यहाँ साइन है साइन माइनस कॉस है साइन माइनस कॉस है क्या नहीं है कॉस नहीं है तो कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो ऊपर क्या फॉर्मूला आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या ए माइनस बी फॉर्मूला क्या बनेगा इसका ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पुट कर देंगे इसमें ए क्यू माइनस बी क्यूब में क्या होगा इसका ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए का स्क्वायर साइन का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए बी बाद में लिख देंगे हम साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी का स्क्वायर इसको पहले लिखते हैं बी का स्क्वायर ऐसा इसलिए ताकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक पेयर में आ जाए ना। नीचे क्या आएगा नीचे पूरा ऐसे ही ले देंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा वन वन हो जाएगा। ठीक है, रीजन लिख देना आप क्योंकि इसकी आइडेंटिटी है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा नीचे क्या आएगा नीचे कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके फ्रैक्शन को हम अलग कर देंगे वन को इसके साथ भी कर देंगे और इसको इसके साथ कर देंगे ये ऐसे कर सकते हैं इसको वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा एक बार होता है प्लस अब इसके नीचे भी लगा देंगे साइन थीटा कॉस थीटा नीचे साइन थीटा कॉस थीटा तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे वन। अब साइन किसका उल्टा होता है साइन होता है कोसेकेंड का तो कोसेकेंड थीटा हो जाएगा वन अपॉन साइन कीजिएगा ये वन अपॉन कॉस है कॉस किसका उल्टा होता है सीकेंड थीटा का और प्लस वन
और यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। वन प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा सेकेंड थीटा प्लस वन, एक ही बात है, ठीक है। तो इक्वल टू आ जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड पार्ट। हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास टेंथ एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फाइव का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन है वन प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। इसमें क्या करेंगे हम, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो वन प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए, तो पहले क्या करना है हमें, साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो वन प्लस सेकेंड ए को कॉस में चेंज करने से क्या आएगा, वन अपॉन कॉस ए, नीचे वन अपॉन कॉस ए। नाउ एलसीएम लेंगे ऊपर तो कॉस ए आएगा, यहाँ वन है तो सीधा कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस वन अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए कॉस कैंसिल, क्या बचेगा, वन प्लस कॉस ए, ये आ गया लेफ्ट साइड। अब सॉल्व करेंगे हम राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर ए वन माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए, फिर वही आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन। साइन स्क्वायर की वैल्यू इसमें से निकालेंगे, वन कॉस वहाँ जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर के लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे है वन माइनस कॉस ए। अब ये क्या है, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी अपॉन वन माइनस कॉस ए, माइनस कॉस ए वन माइनस कॉस ए कैंसिल, आंसर आएगा वन प्लस कॉस ए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर फाइव का।